माँ का रुतबा भगवान से भी ऊपर है। और किसने कहा है, ये सही कहा है, अ मदर इज वन हु कैन टेक एवरीवन्स प्लेस बट हुज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक। हर माँ अपने बच्चे के लिए स्पेशल है और हर बच्चा अपने माँ के लिए स्पेशल है। बीइंग अ वर्किंग मदर, बीइंग अ डॉक्टर, अ मदर ऑफ टू ब्यूटिफुल गॉड डॉटर्स, आई अंडरस्टैंड दैट। कभी कभी वो आशा भरी आंखें निराश होती हैं जब वो बीमार होती हैं। कभी कभी उन हाथों को हमें थामना पड़ता है जब वो दर्द से कराहती हैं और बेहाल होती हैं। बट मैं फिर से कहूँगी कि माँ माँ है और कुछ भी नहीं। उसके सामने दुनिया की हर खुशी छोटी है। जब आपका बच्चा बीमार हो, उसके साथ बैठिए, उसके साथ समय बिताइए और उसे बीमार होने से बचाने के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम से अपने डॉक्टर की सलाह लेनी, उनके रेगुलर चेकअप्स करवाने, उनके टीकाकरण का ध्यान रखना और उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ऑन दिस मदर्स डे इज नॉट जस्ट एसेंशियल फॉर द बेबीज बट मदर्स एज वेल। तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर है पर माँ की सेहत भी उससे ऊपर है। मदर बनने का जो एहसास है वो एक अनोखा ही एहसास होता है। एक लेडी जब 9 महीने अपने को अपने बच्चा कैरी करती है तो कितने ही एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरती है। कहीं किसी के लिए अच्छे होते हैं, कहीं बार कहीं किसी के लिए बुरे होते हैं, लेकिन जब वो एंड में 9 महीने बाद उसकी गोदी में जब वो बच्चा आता है तो आई थिंक वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है उसके लिए। और जब हम ये खुशी देखते हैं तो ये अनपैरल होती है। हाँ, बेबी के गले में नाल थी तो मोनिका मैम ने बहुत अच्छे से समझाया कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब मैम ने मेरी सर्जरी की और उसके बाद मैं और मेरे बेबी दोनों सुरक्षित हैं, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं मोनिका मैम को और मैम जैसलीन को। बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे अपनी डिलीवरी का कि मिड नाइट में भी डॉक्टर मोनिका हमारा फोन रिसीव कर लेते थे हमें जब भी ज़रूरत पड़ती थी। मैं प्रेगनेंसी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जैसे कि बीपी का बढ़ना, शुगर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, जिससे प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करें एंड अपने ट्रीटमेंट रेगुलर कराते रहें। थैंक यू।